Hello and good evening to all of you. And first of all, I would like to thank AMP, Association of Muslim Professionals, for inviting me. So, सबसे पहले तो अच्छी बात ये है कि मैं शुरू करने से पहले ये जानना चाहूँगा अगर मेरी ये इस बारे में हेल्प हो जाए कि सबको मेरी आवाज और मेरी पिक्चर क्लियर है कि नहीं है. अगर कहीं ये कंफर्मेशन मिल जाए अगर थोड़ा सा आप अगर हेल्प कर दें शहजाद भाई. अगर ये फीडबैक मिल जाए कि हाँ मेरी आवाज क्लियर है और पिक्चर क्लियर है. Yes, I've got a feedback that everybody is able to see you and they're able to hear you clearly. We can now start. Okay. Thank you. तो अच्छी बात ये है कि आवाज मेरी अच्छी है लेकिन दिखने में मैं बिलो एवरेज हूँ. तो आपको दोनों में से एक चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. तो चेहरा मेरा कुछ देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं बट आवाज में कहीं ना कहीं दम है. तो आवाज को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं. ठीक है, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ बट आप मुझे देख पा रहे हो. थोड़ी सी एक अजीब फीलिंग तो है लेकिन मजेदार रहेगा टाइम. मेरे ख्याल से मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका. घड़ी देख के आप इसको 29 मिनट में हम इसको ओवर करेंगे बिकॉज टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जरूर से ज्यादा बोलना नहीं चाहिए किसी टॉपिक पे. तो यार आज जो हम बात करेंगे बिल्कुल उर्दू और हिंदी का मिक्स होगा. लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा बीच में इंग्लिश को यूज करेंगे. इसको बहुत ही सिंपल रखूंगा मैं चीजों को क्योंकि ज्ञान हमें सुबह से शाम तक ना बहुत ज्यादा मिल जाता है. कभी हमारे बॉस से मिल जाता है, कभी कलीग से मिल जाता है, कभी यूट्यूब से मिल जाता है. मैं आपसे वही बात करूंगा जो मेरी लाइफ का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो कॉरपोरेट में 15 साल बिताने के बाद जो एक्सपीरियंस गेन किया है. तो छोटे से शहर से मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं. एक बहुत ही छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, पहाड़ी इलाका है हिमाचल प्रदेश में. वहीं की एजुकेशन है, वहीं से मैं पढ़ा. जिसकी 50,000 आबादी भी नहीं है शहर की, वहां से मैं निकला और उसके बाद मैंने वहीं से अपना स्कूलिंग करा, कॉलेज किया, MBA किया और कोई बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं किया. मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने IIM से किया या IIT से किया. जो भी एक बिलो एवरेज स्टूडेंट करता है लाइफ में, जनरली लोग सोचते हैं कि सारे IIMs और IITs होते हैं बट मैं एक एवरेज कॉलेज से, एवरेज स्टूडेंट, एवरेज स्कूल से पास आउट हुआ और जैसे नॉर्मली होते हैं. और उसके बाद MBA किया, MBA गाजियाबाद से किया और वहां से करने के बाद धीरे 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 कॉरपोरेट लेडर में ग्रो करता चला गया. तो जनरली होता क्या है, इंडिया का जो एजुकेशन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डिजाइंड है कि या तो आप एक लीग होती है IITs और IIMs की और एक लीग होती है जो एवरेज स्टूडेंट्स की होती है. तो दुनिया को ये लगता है कि वो IITs IIMs ही सब कुछ कर सकते हैं बट ऐसा नहीं होता है. वो डेफिनेटली वो अच्छा करते हैं. IITs और IIMs में जाने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको जो स्ट्रगल थोड़ा कम करना पड़ता है लाइफ में लेकिन अल्टीमेटली जो 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 अल्टीमेटली जो चीज डिसाइड करती है वो कुछ और चीज डिसाइड करती है. बिकॉज जब आप रियल एनवायरनमेंट में आते हो तो जो कुछ भी आपने पढ़ा लिखा होता है, जो भी आपने स्टडी किया होता है क्लासरूम में, उसका रियल टेस्ट होता है जब आप रियल टाइम एनवायरनमेंट में आते हो, जब आप वर्किंग लाइफ में आते हो, जब आप एक्चुअली में किसी कंपनी के अंदर लैंड करते हो, जब आप जॉब करते हो. तो आपको रियलाइजेशन होता है कि नहीं यार, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने लिखा है, उसका एक्चुअल में भी कोई यूज है कि नहीं है. तो बहुत ही सिंपल मैंने प्रेजेंटेशन रखी है और इस प्रेजेंटेशन को आपको ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि आपको ये कोई किसी भी तरीके का ज्ञान नहीं है. ये ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई आपको बहुत बड़ा कोई मॉडल समझाने वाला हूं, कोई पिरामिड समझाने वाला हूं. जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी 15 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने जो सीखा है, समझा है, उसको मैं शेयर करने जा रहा हूँ. और आज मैं डिस्कवरी चैनल में काम करता हूँ, डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया में. तो करीब मेरा मीडिया के अंदर ही करीब मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है. अलग अलग कंपनियों में काम किया है, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन से लेके UTV ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग, फिर पेप्सिको, इंडिया मार्ट, बहुत सारी कंपनियों में काम किया है. अभी मैं राइट नाउ डिस्कवरी में काम करता हूँ, डिस्कवरी चैनल में. आई होप आप सबने वो देखा भी होगा. तो अपनी लाइफ जर्नी कैसी रही उसको मैंने आपको बता दिया और अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है. तो शहजाद भाई मैं चाहूंगा कि आप मेरे को सेकंड स्लाइड पे ले जाओ.
थोड़ी सी माफी भी चाहूंगा कि थोड़ा कोल्ड भी है तो आपको बीच बीच में थोड़ा सा इरिटेटिंग लगेगी मेरी आवाज। तो जो सिंपल तरीके से हमने रखा है कि जो आप जिस करियर की किसी भी आप पड़ाव पे होगे, चाहे आप करियर की स्टार्टिंग में होगे, चाहे आप करियर के आपको 5 साल हो गए होंगे या आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट में होगे, ये जो मैं आज पॉइंट्स बताने जा रहा हूं आपको, ये एप्लीकेबल हर लेवल पे है। ये ऐसा नहीं है कि आपको एज अ बिगिनर आपके लिए एप्लीकेबल है या आप सीनियर हो तो आपको एप्लीकेबल नहीं है। जो मैं पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं ये हर लेवल पे और उम्र के हर पड़ाव पे ये जरूरी है अगर आपको प्रोफेशनली ग्रो करना है। तो मैंने इनको सिंपल तरीके से रखा है, डूज एंड डोंट्स, कि आपको कौन सी ऐसी चीजें जो जरूरी है और कौन सी ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपको प्रोफेशनली अपने करियर में ग्रो करना है। मैं किसी पर्टिकुलर आईटी या रिटेल या सेल्स के लिए ये प्रेजेंटेशन नहीं है, ये एज अ प्रोफेशनल अगर आप प्रोफेशनली अपने करियर में ग्रो करना चाहते हो तो आपको ये कितना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डूज की, डूज पे जाए। तो सबसे पहला जो स्लाइड है जो मैंने ये यूज करी है वो है आपकी डूज में, कॉर्पोरेट ग्रूमिंग। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब हम कंपनीज के अंदर लैंड करते हैं और जब हम कोई हम जॉब मिलती है हमें, तो हम लोग ग्रूमिंग एक ऐसी चीज है जो कि जो हम करते चले आए हैं बचपन से और कॉलेज के टाइम से, हम सोचते हैं यही एक परफेक्ट ग्रूमिंग है और वही जो हमारी आदतें होती हैं उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। अभी आप उसी स्लाइड पर रहिए शहजाद भाई, उसी स्लाइड पर रहिए पिछली। शहजाद भाई पिछली स्लाइड में, हाँ। तो कॉर्पोरेट ग्रूमिंग ये पहला डूज है जो आपको जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो होता क्या है कि आपने कभी देखा होगा कंपनी के अंदर जब आप जाते हैं अपने ऑफिस के अंदर, तभी आपको एक अलग से कुछ लोग बड़े चार्मिंग लगते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या आपका बॉस हो, आप हमेशा जब आप उनकी तरफ देखते हो तो देर ऑलवेज वेरी नीट एंड क्लीन, उनका शेव बना होगा या अगर शेव नहीं है तो शेव भी रखा है तो वो ट्रिम्ड होगा, हेयर कट प्रॉपर होगा, व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर होगी, ट्राउजर के नीचे स्पोर्ट शूज नहीं पहने होंगे, लेदर के चमचमाते जूते पहने होंगे, यहां तक कि उनके जो सॉक्स भी होंगे ना वो मैचिंग होगी, उनकी जो ट्राउजर के नीचे कौन से कॉन्ट्रास्ट की सॉक्स होनी चाहिए वो भी बड़ी प्री डिफाइंड होती है, बेल्ट होती है, प्रॉपर घड़ी भी अगर उन्होंने आज खाकी कलर की ट्राउजर पहनी है तो उन्होंने मैचिंग एक ब्राउन कलर के स्ट्रैप की वॉच पहनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसी बातें कर रहा हूं, बट ट्रस्ट मी, आईएम्स की डिग्री ले लो आप, आईआईटी की डिग्री ले लो हाथ में और आप कोई भी कपड़े पहन लो, ठीक है, और उसके बाद आप किसी ऑफिस में चले जाओ और आप जब तक ये नहीं बताओगे कि मैं आईआईटी का हूं तब तक आज सामने वाले की परसेप्शन नहीं बदलेगी। लेकिन आप कोई भी नॉर्मल कॉलेज की डिग्री पकड़ लो हाथ में और एक अच्छा आपने सूट पहना हो, वैन यूजेन का या कोई भी कंपनी का अच्छा सूट, अच्छी फिटिंग वाला, अच्छे कपड़े पहने हो, जूते और उस मैचिंग शर्ट, मैचिंग आपने अगर काले जूते पहने तो ब्राउन बेल्ट नहीं पहनी है, मतलब इसको इस तरीके से मैं कहूंगा, अगर आपने काले जूते पहने तो आपने काली बेल्ट पहनी है, व्हाइट शर्ट पहनी है तो उसके नीचे कॉन्ट्रास्ट में आपने उसी तरीके से आपने डार्क कलर की ट्राउजर पहनी है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जब आप कहीं पे भी किसी ऑफिस के अंदर या कॉल या अपने जहां वर्किंग प्लेस में जाते हो तो आपकी एक इमेज बिल्टअप होती है, लोग आपकी परसेप्शन चेंज होती है, लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं और जो कि ओवरऑल आपको हेल्प करता है आपकी अपनी कंपनी के अंदर भी और जो आपका एक्सटर्नल कस्टमर होता है, सपोज आपका कोई क्लाइंट मीटिंग है, अगर आप सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, जब आप बाहर के लोगों से मिलते हो तो भी ये एक एस्पेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हेल्प करता है। ये बात आपको कोई सिखाता नहीं है, ना आपने बचपन से जिस तरीके से आपकी ग्रूमिंग चली आ रही होती है आप उसी को कैरी फॉरवर्ड करके चले जाते हो। जैसे कि आप सपोज करो आपने ट्राउजर पहनी है और नीचे आप एक स्नीकर्स पहन के चले जाओ तो लोग आपको परसेप्शन में यही बनेगा कि यार कितना कैजुअल है ना, अपने एटीट्यूड में लोग आपकी परसेप्शन को बिल्ड करने लगते हैं, आप कितनी मर्जी कितने टैलेंटेड आदमी हो आपकी उस टैलेंट को कोई नहीं देखेगा अगर आपकी ग्रूमिंग के हिसाब से आपकी लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी आपकी एक इमेज बनाना शुरू कर देते हैं। तो आप ये कहते हैं, आपने सुना होगा सॉफ्ट स्किल के बारे में, सुना होगा कि सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी है, तो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन जो अगर आप करियर के इनिशियल डेज में हो या आप एक 3-4 साल हुए अभी आपको, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी एक इमेज बिल्डिंग करो, उसके अंदर ग्रूमिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, वो एक अपने आप में बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। लेकिन मैं आज आपको बोलता हूं कि अगर आपने अपनी ग्रूमिंग पे काम कर लिया और थोड़ा सा आपने अपनी कम्युनिकेशन पे काम कर लिया और अपनी बॉडी लैंग्वेज, ये 2-3 चीजों पे अगर आपने काम कर लिया तो आपको 110% आपकी परसेप्शन बिल्डिंग और आपकी बहुत स्ट्रांग होगी
और आपकी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे आपकी पर्सनालिटी की तरफ. दूसरी स्लाइड पे भाई जो दूसरी स्लाइड है आपको लग रहा होगा कि यार ये आपस में क्या कर रहे हैं लोग. अगर आप देखो तो दो तीन लोग बैठे हैं ऑफिस के एनवायरनमेंट में बैठे हैं और चाय का कप रखा है. अगर आपने ध्यान देखा हो तो चाय का कप रखा है और थोड़ा सा लोग कैजुअली बात कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि ऑफिस के अंदर कई बार ऐसा टाइम मिलता है जब आप कैंटीन के अंदर बैठते हो, समोसा खाते हो, चाय पी रहे होते हो, कई बार बाहर भी मिल लेते हो, या ऑफिस के अंदर भी ऑफिस के बाद एक कैजुअल हो जाता है थोड़ा सा एनवायरनमेंट ना 6-7 बजे के आसपास. उस टाइम पे आपको सिर्फ अपने कलीग्स के साथ नहीं बैठना है, मतलब अपनी टीम के साथ नहीं बैठना है. आप अगर प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हो और आप अगर किसी कंपनी के अंदर अभी 2-3 साल हुए हैं आपको या 4 साल हुए, तो आप जाके दूसरे डिपार्टमेंट्स में कैसे काम होता है उसको समझने की कोशिश करो. आप अपने अपनी जो लर्निंग डोमेन है उसको बढ़ाओ. सपोज करिए आप सपोज एक आईटी कंपनी में, तो आप आईटी कंपनी में सपोज एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे या टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आप दूसरी जो लैंग्वेज है या दूसरी टेक्नोलॉजी या कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे अगर कोई टीम काम कर रही है आप उसके साथ बैठो, उसको समझो. अगर आप सेल्स में हो तो सेल्स के अंदर एक ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, कई कंपनियों के अंदर एक आईटी डिपार्टमेंट होता है, कई कंपनियों में अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं. आप उनके कलीग्स के साथ जाके बैठो, उनकी टीम के साथ जाके बैठो एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनके क्या चैलेंजेस हैं काम में, कैसे होता है. उससे आपको एक ओवरऑल एक कंपनी के अंदर जो ओवरऑल एक रिलेशनशिप तो बिल्ट अप हो गई, क्योंकि आप जब किसी के पास जाओगे उसके काम को समझोगे, एम्पैथी दिखाओगे, उनके चैलेंजेस को समझोगे, तो आपकी एक रिलेशनशिप बिल्डिंग तो होगी होगी. प्लस दूसरा आपकी खुद की नॉलेज बहुत ग्रो करेगी एंड यू विल बी वन पर्सन कि जिसको लोग कहेंगे हाँ यार ये ना बंदा मतलब मेरी लाइफ में इंटरेस्ट लेता है, मेरे डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट लेता है. एंड यू ऑल्सो नो कि यार अगर मेरे को कोई काम करवाना है कंपनी के अंदर, कोई फास्ट ट्रैक पे काम करवाना है, तो उस डिपार्टमेंट में ये चैलेंजेस हैं, तो मैं पहले ये काम बेटर तरीके से कर लेता हूं ताकि मेरा काम वहां पे रुके ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्राई टू टॉक टू पीपल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. नेक्स्ट स्लाइड भाई. इंडस्ट्री रिसर्च होता क्या है कि जब हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ काम कर रहे होते हैं. हमें ये लग रहा होता है यार 9 बजे 10:30 बजे आना है, 6 बजे छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद घर जाना है. 6 बजे के करीब हमें खाने के ख्याल आने लगते हैं, यार खाना कैसे बनेगा, रात को क्या खाना है, कैसे होगा, क्या होगा, घर कैसे जाना है. घर जाते हैं, सोते हैं, सुबह फिर उठते हैं, फिर आ जाते हैं. यार अगर हम जॉब को ना जॉब की तरह ना करके उसको एक ओनरशिप की तरह करें, तो मैं आपको आज बता रहा हूं कि प्रोफेशनली आपको फिर ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता. तो फॉर एग्जाम्पल आप जिस इंडस्ट्री में भी हो, सपोज करो आप कंज्यूमर ड्यूरेबल में हो, आप आईटी में हो, आप मीडिया में हो, आप एजुकेशन सेक्टर में हो, आप जिस इंडस्ट्री में भी हो, उस इंडस्ट्री में आप रिसर्च करो कि यार इंडस्ट्री के जर्नल्स आते हैं कुछ. आपने देखा होगा हर इंडस्ट्री में कुछ मैगजीन्स आती हैं, कुछ जर्नल्स आते हैं. आप ऐसे कितने लोग हैं यार जो उन जर्नल्स को पढ़ते हैं. जब आप उन जर्नल्स को पढ़ोगे, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड रिसर्च करोगे, तो आप जब भी अपने कभी होता क्या है, कभी कभार लाइफ में सबके साथ होता है ये, रिव्यू मीटिंग्स होती हैं. आपका कई बार बॉस शाम को बैठता है टीम के साथ, तो उस समय इंडस्ट्री की बातें चल रही होती हैं. सडनली अगर आप कुछ इंडस्ट्री का इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओगे या ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है. सपोज करो अगर आप मीडिया में होते हैं, जैसे मैं मीडिया में हूं, तो मेरे को ये नॉलेज होनी चाहिए कि OTT मतलब नेटफ्लिक्स और आपका आपका Z5 ये आपका प्राइम वीडियो, ये किस डायरेक्शन में मीडिया कंज्यूम हो रहा है. लोग यूट्यूबिंग किस तरीके से ग्रो कर रही है, जो लीनियर टीवी है वो ग्रो कर रहा है क्या, डी ग्रो कर रहा है. अगर मुझे ये इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं होगी और अगर मैं अपनी टीम के साथ बैठूंगा, तो अगर मैं ये डिस्कशन में उनके सामने कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट रखता हूं, तो मेरी रिस्पेक्ट बढ़ेगी. प्लस मेरा जो सीनियर होगा वो हमेशा ये परसेप्शन बनाएगा कि यार ये बंदा काम में तो है ही है, साथ में यार इसको इंडस्ट्री की बहुत नॉलेज है. और जब आप अपने क्लाइंट के साथ भी बैठते हो या आप जो एक्सटर्नल आपके बंदे हैं जो कंपनी से बाहर है, जब आप उनके साथ भी बैठोगे, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि यार इस बंदे को इंडस्ट्री की बहुत नॉलेज है. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको करना चाहिए. अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज स्टार्ट डूइंग अ रिसर्च अबाउट योर इंडस्ट्री, नो योर इंडस्ट्री वेल. जॉब मत करो सिर्फ, रिसर्च भी करो यार अपनी इंडस्ट्री के बारे में. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाँ,
योर डिजिटल पर्सनालिटी. तो ये डिजिटल पर्सनालिटी होती क्या है बेसिकली? एक तो आप हैं जो इंडिविजुअली आप दिखते हो, आप ऑफिस में आते हो, और एक आपकी परसेप्शन है. एक आदमी है जो आपसे मिला नहीं है अभी तक, राइट, और वो जाता है आपके फेसबुक प्रोफाइल पे, और फेसबुक प्रोफाइल पे जाके देखता है कि आपकी एक फोटोग्राफ्स, आपके आपके वहाँ पोस्ट जो आपने वहाँ ब्लॉग्स लिखे हैं, या आपने कुछ कमेंट्स लिखे हैं, कुछ आपने पॉलिटिकल लिखा है, तो उस उन सब चीजों से एक आपकी एक पर्सनालिटी की एक वो बनाई जाती है, एक पिक्चर. अगर मैं आपसे नहीं भी मिला तो मैं आपकी पिक्चर बना लूंगा अगर मैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाऊंगा. तो आजकल क्या है कि कोई भी इंप्लॉयर है, जहां आप नौकरी कर रहे हो, तो आपके ये जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग आपके नेटवर्क में भी होंगे, सोशल मीडिया में आपसे कनेक्टेड होंगे. आप जो भी वहां पे कर रहे हो, आपका एचआर भी देख रहा है, आपके कलीग भी देख रहे हैं, आपका बॉस भी देख रहा है, और जो होने वाला फ्यूचर में जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है, सपोज आप कहीं कहीं फ्यूचर में इंटरव्यू भी देते हैं, फ्यूचर जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो फ्यूचर कंपनी है, वो भी उसे देख रही है. अपनी डिजिटल पर्सनालिटी को इस तरीके से करिए कि जिस तरीके से आप रियल लाइफ में चाहते हैं कि बंदा, मतलब कि जो आप है रियल लाइफ में, कुछ भी वहां फेक मत करिए. अपनी डिजिटल लाइफ को बहुत सिंपल रखिए वहां पे, इनफैक्ट उसे नॉलेजेबल रखिए. लिंक्डइन के ऊपर अगर आप नहीं है, जनरली लोग सोशल मीडिया को सिर्फ फेसबुक तक ही सीमित रखते हैं, यूट्यूब तक, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल है तो आप अपने लिंक्डइन पे जाके ब्लॉग्स लिखें, लिंक्डइन प्रोफाइल को इस तरीके से मेंटेन करें कि आपको लिंक्डइन के थ्रू जो है वो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे कनेक्ट करेंगे. आपकी प्रोफाइल वहां पे इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप थरो प्रोफेशनल लगने चाहिए. अगर आपने कुछ इंडस्ट्री पे रिसर्च करी है तो आपने, या कोई भी आपकी हॉबी है, आपको लगता है कि यार ये पोस्ट मेरे को लिखना है, या मेरे को अच्छा ये इससे मेरे को लिख के फायदा होगा, तो आप उस पोस्ट को डालिए. डिजिटल चाहे सोशल मीडिया जो आपके पर्सनल प्रोफाइल्स हैं, वहां पे कुछ भी ऐसा मत डालिए जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल हो, जो जिसके बारे में आप भी कॉन्फिडेंट ना हो कि आप इस चीज को कैसे झेलोगे. तो मतलब यू नीड टू हैव अ वेरी क्लीन डिजिटल पर्सनालिटी ऑफ योर्स, सो दैट यू नो व्हेन पीपल वुड इवन डोंट नो यू, व्हेन पीपल विल गो ऑन दैट दोज प्रोफाइल, दे आर बिल्डिंग दैट पिक्चर. सो लेट दैट पिक्चर बी वेरी गुड ऑफ योर्स. So be very careful about your digital personalities. Next slide, bhai. Ye bahut important hai. Always find time for the things that makes you feel happy to be alive. Ye important point isliye hai ki dekhiye jab aap na naukri karenge to kisi bhi industry mein agar aap job kar rahe hain to aapko wo ek time ke baad jaake bahut monotonous feel hone lagega ki jab aap us cheez ko regularly 9 to 6 उस पर्टिकुलर रोड पे डेली जा रहे हो, उस पर्टिकुलर गाड़ी से डेली उसी टाइम पे निकल रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे लंच कर रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे सो रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे जग रहे हो, और एक ही काम को कर रहे हो, जाहिर सी बात है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के जाने के बाद वो आपको लाइफ बड़ी मोनोटोनस लगेगी. आपको लगेगा यार मैं तो एक रोबोट बन गया हूं. तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी हॉबी को आइडेंटिफाई करो कि आपको अच्छा क्या लगता है. अगर आपने वो अभी तक नहीं किया है तो आप लूजर हैं. मैं आपको अभी बता दूं, आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते. आपको जो असली खुशी देती है वो नौकरी नहीं देती है. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आपको जो असली खुशी देती है वो देती है चीज जो आपको अच्छा लगता है करना. जैसे कि मैं आपको बताऊं, मुझे अच्छा लगता है जो मैं इस वक्त कर रहा हूं. मतलब मैं यहां पे आपके सामने अगर इस वक्त बैठा हूं और अपना मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, ये मुझे अच्छा लगता है. आई लव टू इंटरेक्ट विद पीपल, आई लव टू शेयर माई नॉलेज, I love to help people. ये मेरे को कुछ virtues हैं जो मेरे को पसंद है. मेरे को आप रात को 12 बजे भी बोलोगे ना यार कि 10 लोगों की help करनी है professionally, बता दो, I'll do that. तो similarly कुछ लोगों को tennis खेलना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कुछ और करना अच्छा लगता है, तो वो identify करिए. कुछ लोगों को chess खेलना अच्छा लगता है, या कुछ लोगों को कुछ भी hobby आपको जो पसंद है उसे आप देखो कि आपको क्या पसंद है, और उसको job के साथ रहते रहते अपनी hobby को pursue करो. So that is very important. So these were some few do's which you should follow. And जो don'ts है उसमें let the first light come. कि don'ts में आपको ये चीजें हैं जो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए अपने वर्क प्लेस पे. भाई don'ts की पहली स्लाइड पे आइएगा. Stagnant versus dynamic career. तो होता क्या है, मैंने कहा कि जब आप जो सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि एक काम को रिपीटेडली कर रहे होते हैं एक ही कंपनी के अंदर, और वहां पे वो ग्रो नहीं कर रहे होते, और उसके बाद ब्लेम कर रहे होते हैं अपने सीनियर को
कि यार मेरा मेरे साथ पार्शलिटी हो रही है या मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, मेरी अप्रेजल अच्छे से नहीं हो रही है, तो स्टेग्नेंट करियर और डायनेमिक करियर में फर्क इतना होता है कि जो जो इंडिविजुअल होता है अपने पर्टिकुलर, जैसे सपोज आप आईटी में हो तो आप कुछ सर्टिफिकेशंस करते हो, जैसे साइबर सिक्योरिटी में आपने कुछ सर्टिफिकेशंस करी, कुछ आपने किसी और चीज में सर्टिफिकेशंस करी, तो शहजाद भाई पीछे जाइएगा, पिछली स्लाइड पर रहिए, तो आपने अगर उस पर्टिकुलर करियर में, उस पर्टिकुलर जॉब में रहते हुए अगर कुछ आपने सर्टिफिकेशंस नहीं करी है, जैसे आप कहीं पे भी होगे तो आपको मौका मिलता है कि आपको कोई नहीं रोक रहा है कि आप कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस करके अपने उसी पर्टिकुलर जॉब या उसी करियर के अंदर ग्रो करने से कोई नहीं रोकता। तो अगर आप आईटी में हो तो साइबर सिक्योरिटी के डिप्लोमास होते हैं, कभी किसी और पर्टिकुलर लैंग्वेज के डिप्लोमा होते हैं, तो उन डिप्लोमास को कंटिन्यूसली सीखते रहें ताकि आप अपनी कंपनी में तो ग्रो करोगे ही करोगे, साथ में अगर आप नहीं भी अपनी कंपनी में ग्रो करते हो, आप कहीं और भी अप्लाई करते हो, तो आपके पास अगर एडिशनल सर्टिफिकेशंस होंगी तो आप डेफिनेटली ग्रो कर चले जाओगे। जैसे कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो जावा पे काम कर रहे थे, अचानक उन्हें बिग डेटा पे एक अपॉर्चुनिटी मिली, बट उस बिग डेटा के अंदर उनको कोई ग्रोथ नहीं मिली, कुछ नहीं, बस उनको ये बोला कि तुम्हें बिग डेटा टीम के अंदर थोड़ा सा काम करना है कुछ दिन के लिए, और कोई कंपनसेशन में इंक्रीज नहीं होगा, उल्टा तुम्हारा एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स होंगे ऑफिस के बाद। उन्होंने लोगों ने खुशी खुशी उस बिग डेटा को लिया, चार चार घंटे वो ऑफिस टाइम के बाद रुके कंपनी के अंदर, आज वो बिग डेटा के अंदर इतना ग्रो कर गए कि आज वो आबू धाबी और बहुत बड़े बड़े शहरों में प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं बिग डेटा को लेके। तो सिमिलरली ब्लॉकचेन को लेके आज काफी सारी ब्लॉकचेन एक ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, आप ब्लॉकचेन के ऊपर कोई कोर्स कर सकते हैं, आप बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो आ रहे हैं। तो अगर आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं ना अपने आप को, तो प्रॉब्लम उस कंपनी की नहीं है जहां आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, वो उस बॉस की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है, क्योंकि आपने अभी तक ये सोचा ही नहीं कि यार मैं इस दलदल से, आप देख रहे होगे वो आदमी दलदल में फंसा हुआ है, इस दलदल से आपको कोई और निकालने वाला नहीं है, यहां से आपको खुद ही निकलना है अपने आप को अपग्रेड करके। आई होप आई मेड सेंस। मैं आपको देख तो नहीं पा रहा कि आप लोगों को कितनी मेरी बात समझ में आ रही है, बट आई होप कि आपको ये बातें मेरी समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद कर सकता हूं। अगली स्लाइड पे आप जाइएगा भाई। पिक्चर से ही अंदाजा लग सकता है आपको, ये डोंट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है एक कॉर्पोरेट, उसमें इनफैक्ट ये पर्सनल जाती जिंदगी में भी गीबत जो है वो बहुत मना की गई है, तो बहुत, तो इसका इस बेसिकली क्या है कि आप कॉर्पोरेट के अंदर जब काम करते हो ना, तो सिमिलर लोगों के साथ आपका ग्रुप बन जाता है। ग्रुप बनना कोई बुरी बात नहीं है, वो एक स्वाभाविक चीज है, वो एक ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन आप उस ग्रुप के अंदर ना दूसरों की जब लेग पुलिंग करते हैं, उनकी जो टांग खींचते हैं, या और जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि उसके पीछे कोई बातें बनाई जा रही है उस इंसान की, वो करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। बिकॉज मैं आपको आज बता रहा हूं कि आप जब ये करते हैं तो आप ये समझो कोई दूसरा ग्रुप आपके लिए भी ये प्लान कर रहा है। तो आप जब किसी अपने आप को किसी तरीके की ऑफिस की पॉलिटिक्स में डालते हैं, तो आपकी एनर्जी वो जो ऑफिस की पॉलिटिक्स है वो सक कर लेती है। आपको किसी भी तरीके की नेगेटिविटी या पॉलिटिक्स में या बैक बाइटिंग में या बिचिंग में नहीं उतरना है, आपको बेसिकली अपने आप को क्लीन रखना है, अपनी अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा हेल्पिंग रखना है आपको, कि आपके अगर अपना पर्टिकुलर कोई ग्रुप भी है तो आपको उसके साथ साथ दूसरे ग्रुप्स के अंदर भी या दूसरे लोगों के साथ भी आपको उतना ही कॉर्डियल रिलेशनशिप रखना है। मैं जानता हूं कि कहना आसान है, आप हो जाते हैं इन्फ्लुएंस, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंसान है, अगर कॉन्शियसली वो ये ट्राई करेगा तभी तो आप में और दूसरों में फर्क होगा। लोग लीडर, इतने सारे लोग किसी आदमी को लीडर क्यों मानते हैं? लीडर इसीलिए मानते हैं कि वो सबकी सुनता है और सबकी रिस्पेक्ट करता है और किसी एक पर्टिकुलर आदमी को फेवर नहीं करता। तो आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज तभी आएंगी जब आप सब लोगों की रिस्पेक्ट करोगे, सब लोगों के बारे में आप उनके व्यूज को ध्यान से सुनोगे और किसी की बैक बाइटिंग नहीं करोगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप किसी भी तरह की ऑफिस की पॉलिटिक्स में ना उतरे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यार अगर आप शेर और चीते की जिंदगी जीना चाहते हैं, मतलब इफ यू वांट टू लिव लाइक अ लायन, तो मैं आपको आज बता रहा हूं, आप जितना मर्जी लाइफ में ग्रो करते चलो, जितने मर्जी पैसे बना लो, कई बार आपके साथ लाइफ में ये होता होगा, मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि पैसे निकल कर रहे हैं। पैसा आते हुए अच्छा लगता है लेकिन पैसा रुक नहीं रहा है,
आपको क्योंकि आपकी जो पर्सनल फाइनेंसिंग है, जो फाइनेंस मैनेजमेंट है आपकी, जो पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट है उसकी लगी पड़ी है, और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि यार ये मैं कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करूं, चाहे वो रेंट है, चाहे वो गाड़ी का ईएमआई है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका एक फिक्स खर्चा है महीने का। तो होता क्या है कि जब पैसा आ रहा है और पैसा रुक नहीं रहा है, तो कई बार आप अपने कलीग से भी मांग लेते हो, कई बार आप पर्सनल लोन ले लेते हो, कार लोन ले लेते हो, हाउसिंग लोन ले लेते हो। अब आप इतना डेट के अंदर इतना फंस जाते हो कि आप कंपनी के अंदर बड़ा प्रेशर फील करते हो कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा। ये जो डर है, ये डर जो है ये सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का, क्योंकि ये आदमी को कुछ भी नहीं करने देता। क्योंकि आप उस डर के चक्कर में अपनी कंपनी में, अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, आपके साथ जॉब में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपके कुछ भी हो रहा है, आप उसको सहते चले जाते हो, क्योंकि आपको प्रेशर होता है एक ईएमआईज का। वो ईएमआईज इसलिए है क्योंकि आप अपनी जो आपने अपनी पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट कर नहीं रखी है। तो आप अपने ये देखो कि यार पैसा आ रहा है, उस पैसे को कहाँ जा रहा है, कौन सी क्या मेरी जरूरतें हैं, हर महीने का मेरा खर्चा क्या है, कैसे मैं अपने खर्चों को कट डाउन कर सकता हूँ, सेविंग्स को कैसे बढ़ाऊं। जितना आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी लाइफ में, याद रखिए नेटवर्थ आपकी जितनी बढ़ेगी, मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके आपका जो जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव में या नेगेटिव में, आपको ये देखना है। अगर आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव में है तो यू आर इन अ डिसेंट पोजिशन, बट जनरली लोग नेगेटिव में होते हैं। जब नेगेटिव में होते हैं तो उनका प्रेशर होता है, और प्रेशर होता है तो वो आदमी नौकरी में फिर लगा रहता है, डिससेटिस्फेक्शन और ये सब चीजें पीछे हट जाती हैं, आदमी की मजबूरी हो जाती है नौकरी करना। नौकरी करनी खुश होके करो, चौड़े होके करो, एक लायन की तरह चलो, एक कॉन्फिडेंस। आप कहते हैं कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या होता है यार? कॉन्फिडेंस अगर जेब में पैसे है ना भाई तो कॉन्फिडेंस है, मतलब अगर आपकी जेब में सरप्लस पैसा है ना तो जिंदगी में कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। आदमी का कॉन्फिडेंस सबसे पहले तब जाता है जब उसकी जेब में 10 रुपए पड़े होते हैं और खर्चा 200 रुपए का उसके लिए उसी दिन खड़ा है। तो जिस दिन जेब में पैसे आ जाते हैं, आदमी की प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो जाएगा। अपने सरप्लस को बढ़ाओ, अपने पर्सनल फाइनेंसिस को मैनेज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आप कहते हो यार मेरे पास टाइम ही नहीं है। यार टाइम इसलिए नहीं है बॉस क्योंकि आपका आधा टाइम व्हाट्सएप ले जा रहा है, टेलीग्राम ले जा रहा है, फेसबुक ले जा रहा है, और सोशल मीडिया पे डिबेट्स ले जा रही है, यूट्यूब ले जा रहा है। जरूरी है, सोशल मीडिया भी जरूरी है, सब चीजें जरूरी है, लेकिन टाइम तो उतना ही है, 24 घंटे सबके पास है। आपको मैनेज करना है, उसमें आपको अपनी ऑब्लिगेशंस भी करनी है, आपको अपनी जितनी भी आपकी दिनचर्या है उसको उसी टाइम के अंदर मैनेज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए मैं जो करता हूँ, मैं P1 P2 P3 करता हूँ। मैं हर दिन एक टू डू लिस्ट बनाता हूँ, उसके अंदर मेरा प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, उसी हिसाब से मैं प्रायोरिटीज को देखते हुए फिर वो टाइम मैनेजमेंट करता हूँ। आपको भी ये करना चाहिए। आप हर दिन में रोबोट तो होने के सारी चीजें कर लोगे, टू डू लिस्ट इस हिसाब से बनाइए कि मेरी प्रायोरिटी 1 क्या है, प्रायोरिटी 2 क्या है, प्रायोरिटी 3 क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड भाई। वर्क लाइफ बैलेंस, आप जो भी कर रहे हैं, आप अपनी अगर वर्क को इग्नोर नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपके घर में वाइफ हैं, बच्चे हैं, आप उनको डिसेंट इनफ टाइम दीजिए, क्योंकि वही आपके एनर्जी का सोर्स है। और अगर आप बैचलर हैं तो आप अपनी हॉबीज पे आप अपना वर्कआउट करिए, हॉबीज को अपना डेवलप करिए, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। शादीशुदा हैं तो यार आप वर्क के बाद अपनी लाइफ को भी उतना ही बैलेंस दीजिए, उतनी इंपॉर्टेंस दीजिए, उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और उन पे भी उतना ही समय लगाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी किसी भी एक चीज का बैलेंस बिगड़ेगा तो आप ओवरऑल आपका भी बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। एंड बहुत सारे लोग ये होते हैं कि ऑफिस के बाद मतलब ठीक है पार्टी करते हैं या इधर उधर दोस्तों के साथ चले जाते हैं और फिर रात को आते हैं, कुछ बहाना बनाते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता भी हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है। वंस और ट्वाइस ठीक है, आप जाते हो, मस्ती करते हो, आते हो, बट जो आपके पास स्पेयर टाइम है, ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस। और हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप हेल्दी नहीं है तो ना तो आपकी लाइफ है ना वर्क है। तो ट्राई टू यू नो वर्कआउट, ट्राई टू रन, ट्राई टू डू मे बी 30 मिनट्स वॉक घर आने के बाद या मॉर्निंग में। दैट यू हैव टू फिगर आउट कि आपको अपनी हेल्थ को, लाइफ को, वर्क को कैसे बैलेंस करना है, दैट यू नीड टू फिगर आउट। एंड आई एम श्योर कि आप जब भी आपने देखा होगा कि आपने अगर सपोज किसी भी एक चीज को इग्नोर करने की कोशिश करी तो आपकी दोनों चीजें ऑटोमेटिकली हिट कर जाती है। सो विद दिस थॉट आई थिंक वी आर डन विद डूज एंड डोंट्स, एंड द टाइम आई हैव टेकन इज 29 मिनट 42 सेकेंड्स।
सो जो मेरी आपसे कमिटमेंट थी थैंक यू वेरी मच एनी क्वेश्चंस प्लीज Kashif, I'm publishing a few questions that I've received. If you can just click on the Q&A section on your screen and check the published question, you will be able to look at that. First of all, I would like to know from the audience that was it clear, and I hope it made some sense. Anybody can give the feedback. कोई क्वेश्चंस अभी आए नहीं है भाई लाइव क्यूएनए में आमना का क्वेश्चन आ गया ऑलरेडी आप चेक कहाँ पे क्यूएनए सेक्शन में आप जाओ वहाँ पर पब्लिश्ड क्वेश्चन हाँ हाँ उसमें आई कांट सी द क्वेश्चन If you want, I can read out the question for you. अच्छा हाँ आमना She says, I have recently started my career as a fresher. I like traveling, but I'm working in office where there is no traveling involved at all. I'm confused if I should continue or not. What would you suggest to guide me? I think it's a very, very interesting kind of a question, Amina. What I'll suggest that if you really have the quest, if you really have that, you really want to travel. So suppose if your office is like for 5 days, so if you're left with 2 more days, so on those 2 days you can travel, and maybe, you know, since you can personally, you can travel to places. But still, if you were searching for a job where you wanted to travel and still your job is not giving you an opportunity, and you wanted a career where you can actually travel to places, then definitely you should find a job where you actually, they allow you to travel. But maybe for a beginning, since you have landed in a job, just give them a little bit more time. Maybe, you know, try discussing things out with them. And for your, as far as travel is concerned, so on weekends, maybe on Saturday and Sunday, you can continue travel, maybe on a personal basis. But if you really want that your job should allow you to travel and there should be a traveling job, then definitely in future, maybe you can search something, and maybe you can speak to your senior or maybe your boss or your HR about it, that, you know, you're really looking forward to that kind of a profile. So they might give you an assurance that maybe in a couple of months, they might shift you into in a different department. So don't think of maybe quitting and joining something straight away. First of all, give your company a little bit more time and just talk to them. I think that's a better way of handling the situation. I've got one question from Mr. Firoz. In today's grim scenario, should I change jobs for better perks? Firoz bhai, there is never a grim scenario. Let me be very honest. Yes, the macroeconomic factors do impact us. I'm not saying that they don't impact us, but you know, if you're ready before time, you can handle any situation. So suppose if you're in a particular industry, I don't know in which industry you're working. So if you see that in that industry, if you see that that profile is becoming a little redundant, or there is a new technology, if I work on that area, or maybe if I work in that space, that particular area is growing, or that particular space is growing,
try to do a maybe a certification or try to find a job in that particular sector which is growing, right? As I said, AI, blockchain, then there are a lot of industry, lot of sectors which are growing, robotics, lot of sectors which are growing. In terms of IT also, there are a lot of sectors which are growing. So if you're really so scenario is never grim. So in that grim scenario, there are a lot of opportunities. It is grim for people who actually don't want to learn something new or who are stuck in their careers, as I said, a stagnant career. So you just try to figure out that, you know, what are those new opportunities, what are those new areas where you can develop, where you can learn, or where you can join. So for perk, maybe skipping your job is not a great idea, because perks is what, like, I mean, you might get a 10% increase and then you don't like that job, or maybe you don't like that boss. So try and figure out in which company you are right now, what is your relationship with the overall colleagues and everybody. Even if the perk is a little on a lower side, no problem. Try to learn something extra where, you know, maybe you can negotiate with your senior or management that I have done a particular certification, or I am ready for this, handling this kind of a project. Maybe you can ask for a little growth there itself. Changing job for perk every now and then is not a great idea. I will not recommend. There's another question raised by Anis Ahmed Mullah. I want to know how to put limit on time for cell phone as it consumes very much time. So Anis Ahmed sir, I don't know if you're a bachelor or married. So if you're a bachelor, then you need to get married maybe. So jokes apart, I mean, I know it takes a lot of time and it consumes a lot of time, and it's not that we are talking much. So time is getting consumed on the data, so on WhatsApp and Facebook and stuff like that. So what you need to do, there are apps which are available in the market where you download them, and it's like a warning kind of a reminder apps. So there are apps specifically which the moment you feed a little bit of information there that you want to use social media, limit should be close to 30 minutes in a day, or you want to use social media for only 1 hour in 24 hours. So what you will do, the moment you will exceed that limit, the app will keep you know warned about it. It will remind you. It will give you warnings that you've been sitting for the past 20 minutes, stand up and walk. So suddenly what will happen, that there will be somebody who will actually come and say, hello, wake up. So what happens on social media, we actually tend to get lost, because I have seen when people use Facebook, they tend to go in a different world altogether, or on WhatsApp. So the moment somebody comes, like if my mother comes or wife comes and says, "Arey, wo ye kar lo na ye kuch," then suddenly I realize that I was in a different world altogether. So these apps, they help, right? And also try to during night, maybe, you know, after 9 or after 10 p.m., try to make a rule that, you know, after 10, I will not search for anything, or I will not go on social media. So ideally, also medically, it is recommended as well. So you need to draw your own rules and try to figure out how to, you know, there are lot of information available on internet as well, that how to, how to avoid cell phone much. So I'm sure you need to, it's good that you asked this question, because there are a lot of people who actually feel embarrassed to ask this question. But I'm telling you, if you have asked this question, it's already there in your mind and you will be successful one day. Haan ji, Riyaz bhai keh rahe hain ki I'm always stressed at work due to my reporting manager. I feel sometimes to quit, but looking at current employment market, I'm scared to leave as well. What should I do? Yaar, ek baat bolun, zindagi mein na aadmi jab naukri chhodta hai, to wo log jhoot bolte hain jo ye bolte hain ki maine paison ke liye chhodi. Actually, aadmi naukri isliye chhodta hai kyunki usko wahan pe uski boss se nahi banti hai. Aur ye
क्लोज टू 80% रीजन यही होता है, आप चाहे इसको हाँ या ना कहो, लोग नौकरी छोड़ते ही इसीलिए, और जो लोग नौकरी नहीं छोड़ते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी में, वो इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उनकी वहां पे बहुत अच्छी बनती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। और जहां पे भी दो लोग काम करेंगे और जहां पे भी एक आदमी होगा जो आपसे सुबह उठ के ये पूछे कि कहाँ हो, ये जो सवाल होता है ये आपको एक ऐसा इफेक्ट देता है जिसे कहते हैं ना गुलामी का इफेक्ट मिलता है आपको। आपको ऐसा लगता है यार ये किसने मुझसे सवाल पूछ लिया कहाँ हो। तो आई अंडरस्टैंड, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं विच जो हम लोगों को पसंद नहीं आती हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि आप अपने रिपोर्टिंग मैनेजर से बहुत एक ओपन होके एक डिस्कशन करें, उसकी उससे पूछें कि एक्चुअली में उसको मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, जस्ट ट्राई टू फिगर आउट दैट थिंग विद हिम। मैंने ऐसा किया है मेरे लाइफ में, मेरे को करीब 14 बॉसेस के साथ मैंने काम किया डिफरेंट डिफरेंट, और जरूरी नहीं है मेरी 14 के साथ बनी, लेकिन जिसके साथ भी मेरी बिगड़ी तो मैंने उससे पूछा। मैंने कहा सर देखिए, मैं क्या करता था, मैं उससे हमेशा पूछता था कि सर देखिए इस तरीके से ये तो कंफर्म है सर कि या तो आप मुझे एक दिन निकाल दोगे या एक दिन मैं ही चला जाऊंगा। मैं ये कहता हूं कि सर अगर इस सिचुएशन के आने से पहले अगर हम आपस में, सर मुझे आपसे ये पता लग जाए कि आपको मेरी कौन सी बात बुरी लगती है, और अगर पॉसिबल हुआ मेरे लिए मैं आपसे अश्योर करता हूं कि मैं आज तो नहीं बट अगले 2-3 महीने में मैं उस पर इंप्रूव करके दिखाऊंगा सर आपको, एंड यू कैन ट्रस्ट मी फॉर दैट, एंड आई वांट टू गिव इट अ ट्राई कि मैं आपको उस जो आपको चीज बुरी लगती है आई विल इंप्रूव अपॉन दैट। तो वो खुश होगा, वो कहेगा यार अच्छा ये वो इतना ओपनली अपनी चीजों को एडमिट कर रहा है। बट सर मुझे एक चीज और, आप मेरा भी फीडबैक जो है ना आपके लिए उसको सर पॉजिटिव लेना सर, मैं आपकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ सर, और मैं जानता हूं कि मैं आप आई लुक अप टू यू, बट मेरा भी एक फीडबैक है सर आपकी ना सर, एक दो चीजें अगर आप ये इंप्रूव कर लो तो सर मुझे ना थोड़ा सा ये लगेगा कि यार नहीं इफ ही इज यू नो इंप्रूविंग ऑन हिज साइड, या ये मेरे फीडबैक को ले रहे हैं तो यार मुझे भी ये करना है। आप अगर ऐसी ओपन डिस्कशंस करोगे ना, ये ऑफिस के एनवायरनमेंट में नहीं होती, ये भी मैं बता दूं, आप ऑफिस के बाहर उसको कॉफी शॉप पे कहीं पे भी बाहर बैठ के एक बार ये बात करेंगे ऑफ द ऑफिस, तो मैं आपको आज बता रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम 70% सॉल्व हो जाती है। जरूरी नहीं है 100%, बट मैंने ये ट्राई किया, ये सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। फिर भी सॉल्व नहीं होती है कोई दिक्कत नहीं यार, वर्ल्ड इज नॉट द लिमिट, मतलब कोई आपको कोई लिमिट नहीं कर रहा है, आप चाहो दूसरी नौकरी ढूंढो, उससे पहले एक बार एचआर से भी बात कर सकते हो कि किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दे, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो ठीक है मूव ऑन। बट यार बिना फाइट मारे बिना चीजों को डिस्कस किए नौकरी से निकलना कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है। आई होप रियाज मैंने आपको सजेशन सही दिया है। अनीस अहमद साहब, कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन्ड वर वेरी वेल डिस्क्राइब, थैंक यू, आई टेक दिस एज एन ऑनर, इट्स एन ऑनर फॉर मी, एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांटेड टू से आई थिंक इट्स एन ऑनर अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आमना, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक यू आमना, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू फाइंड योर पैशन वन डे एंड यू गेट टू ट्रैवल अलॉट, इवन इनफैक्ट आई लव ट्रैवलिंग, सो आई कैन अंडरस्टैंड इट पेन्स दैट इफ अ जॉब इज नॉट अलाउंग यू टू ट्रैवल, because I travel for 15 days a month, so I understand. So, Firoz, thank you, Firoz. Okay, and then you have, I belong to hospitality industry and I was very good in my career. That's amazing. I took 4 promotions in 4 years, massive. I would like to take your autograph, boss, Rahim bhai. And when I kept beard, I was forced to leave my industry and since then I've been struggling. What do I do? I'm nowadays working in a call center because I cannot work in my industry. How do I overcome my struggle and grow myself professionally? Rahim bhai, it's a beautiful question and I think you need not worry about it. It's not a hindrance at all. And if you believe in something that if you believe that this is the right way of doing it, if you believe that your values, your belief is correct, you don't have to compromise on your belief, first of all. So then what you need to do is that hospitality, if you really want to work in hospitality sector, so what you can do is that you need to figure out which are those areas where it is acceptable. So for example, suppose you are
29 or 30 suppose in your age, or maybe 31, I don't know your age. If I would have been at your age, I would have found those areas, those maybe the places where it is acceptable, right? And still you wanted to work in hospitality sector. So maybe you can apply it to those areas where, you know, you need to search a little bit where it is accepted, number one. Number two, keeping a beard is not an issue at all. Maybe there are various, so suppose maybe on front desk, so suppose in a reception or where you have a customer interface. So most of the hospitality industry, maybe they might have an apprehension, which is okay on their side. But maybe there are various other departments. Maybe if suppose you have done specialization in front desk, maybe you can maybe go to housekeeping, or maybe you can take a backend kind of a role. If you think that even that is also falls into the category of compromising, then what you need to do that you need to figure out places where it is acceptable, where it is completely normal, but you don't have to compromise on your this thing, because I believe that if you believe in something, if you really believe that what you're doing is correct, and so I mean, I think you should stick to it. I think that is what my belief is. Thank you, sir, for your very useful suggestions. Anonymous. I love these anonymous people. Thank you, Anonymous. Then you have Riaz. I have only one department, no HR, only manager and owner. My manager treats me like a slave. I spoke with the owner and he thinks I may be wrong. That's why he is treating me bad. When I go home after work, I upset. Next day when I have to come to work. Riaz bhai, then you're wasting your time, man. You're wasting your time. Never ever allow anyone in your life to take you for granted. Let me be very honest. If you think that, you know, things are not working out, take your time, because, you know, finding another job also is a process in itself. And the process is that you have to come out of something to get something. So if you'll remain stuck in that situation, you will not be able to get something new. Don't ruin your life. Every single day is very important. If you feel that you are being treated as a slave, as you said, you don't have to allow anybody in this world to treat you like that. And I would have never allowed myself, to be treated like that. Follow your rules, follow your belief, follow your heart, maybe. And then don't allow anybody to take you for granted. Let me be very honest. You don't have to feel bad about it. Right. And trust me, just need to be very determined, be very strong, and you'll find something. Follow this rule. What motivates you in life so that you can channel your energy through the right platform and achieve greater success? What motivates you in life so that you can channel your energy through the right platform and achieve greatness? What motivates you? So basically, motivation is something which drives people, right? And for everyone, there are different reasons. For every individual, there might be a different reason for somebody else. But I can tell you one thing for sure, that the biggest motivation for each one of you, including me, is when you tend to help people, you know, in whatever ways. And when I say people, irrespective of religion, irrespective of caste, irrespective of creed, when you help the humanity, you know, humanity, people around you, so that is the biggest motivation. No, nothing is going to give you the happiness what you will get from serving the humanity, irrespective of religion, caste, creed, irrespective of your family, friends. So whatever you do, so even if you are a DJ, even if you are a caterer, you are in IT industry, you are an employee, whatever you do, try to figure out how you can actually help the humanity, you know, from, and you can help the humanity to bring them out of their sufferings.
So even if, you know, if you tend to give suggestion to somebody, that is also, you know, maybe a way of helping somebody. So today, if I'm interacting with you, and even if today one individual get a motivation to do something or get a right kind of an answer he was searching for, my job is through. I'm done with it. So try to figure out that actually motivates you. Try to have a larger picture. Do not you know, limit yourself to a very small targets. Try to have a very huge picture, large picture, and include humanity in that. Thank you for your answer. Can you help me find a job in discovery communication in customer service area? No, I cannot find you a job, brother, in discovery communication. What I can help you is to help overcome your fear. I am here to help you overcome your fear. You don't have to fear from anyone. You just have to believe in yourself, in your abilities. Try to find out an area where your interest lies. And just stick to that. And as far as customer service area, if you're an expert in customer service area, I think customer service is required in every field. So that just go after that. Good content and presentation, sir. Asif Iqbal bhai. Thank you very much, Asif bhai. Okay, Kashif, we are closing the Q&A session as it is already 8 o'clock now. Right. And it was an honor and pleasure to have you with us. Thank you, Shahzad bhai.